नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाने वाले आर माधवन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब माधवन के पद चिन्हों पर चल रहे हैं उनके बेटे वेदांत माधवन। पोडियम की ओर बढ़ते इन कदमों को देखकर किस पिता को फक्र नहीं होगा। पोडियम पर खड़े होकर गोल्ड मिल जाए तो हर बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। ऐसा ही आर माधवन के साथ हो रहा है। माधवन के बेटे वेदांत ने अब विदेशों में भी झंडे गाड़ना शुरू कर दिया। माधवन ने अपने बेटे की सफलता का वीडियो खुद सोशल मीडिया में शेयर किया। एक बाप को अपने बेटे पर गर्व करने की वजह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने ग्लैमर की दुनिया का मुंह छोड़ अपने लिए एक अलग राह चुनी और अब वो अपने इस जुनून से देश का नाम रोशन करने में जुट गया है। वेदांत ने डेनिश ओपन स्विमिंग में 2 दिनों के अंदर 2 मेडल अपने नाम किए। पहले तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, अब उन्होंने गोल्ड मेडल पर भी अपना नाम दर्ज करा दिया। वेदांत ने डेनिश ओपन 2022 के 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में पहले सिल्वर और 800 मीटर फ्रीस्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। बेटे की इस उपलब्धि पर माधवन ने ट्विटर पर लिखा है, आज वेदांत ने 800 मीटर तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। मैं बेहद खुश हूँ, साथ ही अभिभूत और कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। कोच प्रदीप सर, भारतीय तैराकी महासंघ और पूरी टीम को धन्यवाद। जिस बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर इतनी बातें होती रहती हैं, उसी बॉलीवुड में एक बड़ा नाम होने के बावजूद माधवन ने अपने बेटे वेदांत को उसका पैशन फॉलो करने दिया और वेदांत के स्विमिंग करियर और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की खातिर पूरे परिवार के साथ दुबई शिफ्ट हो गए। उनके और उनके बेटे की ये मेहनत रंग लानी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बॉलीवुड में लगभग हर बड़े स्टार के बच्चे को आगे चलकर एक्टिंग करते ही देखा गया, वहीं दूसरी ओर माधवन के बेटे वेदांत ने शुरू से ही अपने करियर के रूप में स्विमिंग को चुना। डेनिश ओपन से पहले वेदांत ने बेंगलुरु में आयोजित नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में भी सनसनी मचाते हुए 7 पदक जीतकर सबको हैरान कर दिया था। वेदांत की निगाहें अब 2024 के ओलंपिक्स पर है। वो ओलंपिक में भारत का झंडा गाड़ना चाहते हैं। मंजिल अभी दूर है, लेकिन उनके समर्पण और मेहनत को देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ओलंपिक में भारत पर मेडल्स की बरसात होगी।